सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ कमिश्नर ने किया निरीक्षण, जिसमें वह मरीजों से रूबरू हुए और हालचाल भी जाना। साथ ही सुविधाओं के लिए कमिश्नर ने जानकारी प्राप्त की। साथ ही कमिश्नर ने कहा कि सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साफ सफाई व्यवस्था को देखकर काफी प्रसन्नता भी व्यक्त की। ऊना जिले की बहुत सारी संस्थाओं का हमने अवलोकन किया है। सुबह हमने रुठियाई में पीएचसी का अवलोकन किया, फिर कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो अभी मीजल रूबेला वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है उसको भी देखा, जिला अस्पताल को भी देखा, और दोपहर पश्चात आज आरोन का भी हमने भ्रमण किया। और यहाँ एक अच्छी बात है कि ये यहाँ पे 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल स्वीकृत हो गया है और उसका टेंडर भी हो चुका है और इसका शीघ्र काम शुरू होने वाला है। इसमें अब लोकेशन फाइनल होना है उसका, कहाँ बनाया जाए, क्योंकि इसको तोड़ के बनाने में ये समस्या है कि इतना बड़ा चलता अस्पताल को और कहाँ लिया मतलब लेके जाए, क्योंकि यहाँ लगभग 150-200 मरीज रोज आते हैं, भर्ती भी रहते हैं, डिलीवरी भी होती है। अब वो स्थानीय स्तर पे कलेक्टर साहब को उसमें फैसला लेना है। आदरणीय कमिश्नर महोदय, देखा गया है यहाँ महिला डॉक्टरों की कमी है। वाकई में डॉक्टरों की कमी एक्चुअली पूरे प्रदेश में है, इसको पूर्ति करने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसके लिए अभी वर्तमान में गुना जिले से कम से कम एक दो दिवसीय के लिए यहाँ अटैचमेंट करवा दिया जाए। अटैचमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं, पर अटैचमेंट की व्यवस्था कभी सुचारू रूप से चल नहीं सकती जब स्थायी रूप से यहाँ पे डॉक्टर को न लगाएं। तो इसके हम प्रति बुधवार को मेडिकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट वॉक इन इंटरव्यू करते हैं। जो भी ताज़ा डॉक्टर पढ़ के आता है, अगर उसको यहाँ पे सरकारी व्यवस्था में काम करना है, तो किसी भी दिन बुधवार को आके इंटरव्यू देके उनका नियुक्ति पत्र हम तुरंत जारी कर देते हैं। और सर